पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जिंदगी बेमानी लग सकती है, लेकिन बेमानी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हम जीवन के उस कारण से अनजान जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीने का, हमारे जीवन का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई कारण जरूर है। इसीलिए तो हम जी रहे हैं। जीवन में जब हमारे साथ अपने भी होते हैं, तब भी जीने की जद्दोजहद लगी रहती है। हमें अपने जीवन में जगह जगह परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और यही नियम जब हम अकेले होते हैं तब भी लागू होता है। ये परीक्षा ही है, और इस परीक्षा से गुजरने की शक्ति भी वो ही देगा जो सांसें दे रहा है। बस हम अपनी तरफ से अपना कर्तव्य, अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, यूं पत्थर बनकर नहीं बैठ सकते। ठीक है दादा बाबू, अगर ऐसा ही है तो ये निश्चित है कि मैं यहां नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा यहां। मैं हर चीज में वो बसा हुआ है दादा बाबू, ये जान कर कि अब वो नहीं रहा, मैं इन खाली जगहों को नहीं देख पाऊंगा दादा बाबू, नहीं देख सकता। मैं हर चीज में उसका अक्स देख कर अपने बेकल विफल मन को शांत कैसे करूंगा दादा बाबू। ठीक है, जीना ही है तो जीऊंगा मैं, पर कहीं और जाकर यहां इसका दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा दादा बाबू, नहीं कर पाऊंगा मैं इसका दर्द बर्दाश्त कैसे करूं। दादा बाबू यूविका दी दरवाजा नहीं खोल रही, प्लीज आप जल्दी चलिए। मम्मा कब से दरवाजा खटखटा रही है पर वो खोल ही नहीं रही, प्लीज जल्दी आप चलिए। क्या आवाज भी आई है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। यूविका, यूविका बेटा, यूविका दरवाजा खोलो, यूविका, यूविका दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। यूविका, यूविका बेटा तुम ठीक हो ना, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ये स्टूल क्यों गिरा हुआ है? तुम क्या कर रही थी युविका? ओ, ये बॉक्स कबर्ड के ऊपर रखा हुआ था, बस इसे निकालने की कोशिश कर रही थी और इसलिए वो स्टूल पर चढ़ी, पर उतरते वक्त स्टूल गिर गया। Thank you.
ये नील जो इतनी सारी यादें देखी है ना, उसे उसे इस बॉक्स में भरना चाहती थी, लेकिन सब नहीं आएंगी। मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन हो नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ विद्रोह अंकल, लेकिन नहीं हो रहा है मुझसे। मम्मी आपको क्या लगा मैं स्टूल में? आई प्रॉमिस मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और दादा बाबू, आपने मुझसे कहा था ना कि हिम्मत रखने की कोशिश कर। मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। तो मुश्किल क्यों है ये? अब इंसान चला जाता है तो हिम्मत भी तो चली जाती है ना। यश, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये ठीक नहीं लग रहा क्या? हाँ, काम डाउन काम डाउन, पानी पियो। हेलो, पानी पियो। यश बताओ ना बेटा, कैसा लग रहा है, क्या हुआ? भाई अजीब सी रेस्टलेसनेस है, ऐसा लग रहा है ये दिल निकल के कहीं जाना चाहता है। एक समवन्स कॉलिंग, कोई बुला रहा है इसे। ये किसी के पास जाना चाहता है। ये सब मत सोचो बेटा, डॉक्टर कपाड़िया ने भी कहा था ना कि बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, गिव योरसेल्फ दैट टाइम। माँ, ये दिल किसका है, इसका डोनर कौन है? डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा। नहीं, डोनर के बारे में तो मुझको कुछ नहीं पता। और वैसे भी बेटा, हॉस्पिटल ये सब डिटेल्स शेयर नहीं करते, वो नहीं चाहते कि उनके पेशेंट्स को एडिशनल स्ट्रेस हो। आई गेस दैट्स द रीजन। और तुम्हें भी ये सब नहीं सोचना चाहिए, दिस आर जस्ट थॉट्स। तुम बस रिकवरी पे फोकस करो, पानी पियो। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ। हाँ, वैसे तो चाह कर भी कभी आंसू नहीं निकलते, और अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रो रहा हूं या मेरा दिल। Thank you.
क्यों दादा बाबू, नील को ही क्यों चुना? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।